नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत ही भयानक दिन रहा है, बहुत ही अजीब दिन रहा है। यहाँ पे जो कल जानकारी आई थी निर्भया केस के बारे में, उस निर्भया की आज मौत हो चुकी है और इसके तुरंत बाद एक और खबर आई कि अमरावती में एक नाबालिग लड़की के साथ जो बलात्कार किया गया था वो लगभग 6 या 7 महीने प्रेग्नेंट थी और उसने आज सुबह सुसाइड कर दिया। इसके बाद तुरंत एक और खबर आती है कि उल्लासनगर वसई में एक मतिमंद लड़की के साथ लैंगिक अत्याचार किया गया और उसके बाद अभी शाम को कुछ समय पहले यानी पिछले 1-1.5 घंटे में फिर से एक अजीब और गरीब जानकारी आई कि एक और लड़की के साथ उल्लासनगर में नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार किया गया। यानी इस तरह की जानकारियां सुबह से चल रही है और कल आपने देखा कि किस तरह जो महाराष्ट्र की मुंबई की पुलिस है वो जहां पर जरूरी नहीं है, जिस मीडिया वाले के पास पास था लालबाग के राजा में दर्शन करने का और कवरेज करने का, उसे धक्के देकर के बाहर निकाला, उसके साथ उल्टी सुल्टी भाषा का उपयोग किया उस अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने। ऐसे भले गिने चुने लोग होते हैं लेकिन पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है कुछ लोगों के वजह से, और ऐसे एक इमेज तैयार होता है कि जहां जरूरी नहीं है वहां वो अपनी दहशत बना रहे हैं ये सरकारी एजेंसियां। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी दहशत होनी चाहिए। इस तरह के आरोपियों के साथ जो आज 4-4 खबरें आई है वहां उनका कुछ नहीं, और इसी दौरान इसके सब चलते काफी बड़ी खबर आ गई कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, सांसद रह चुके हैं श्री किरीट सोमैया जी, उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कुछ जानकारी दी। परिषद यानी पूरी पत्रकार परिषद भी नहीं थी, कुछ गिने चुने पत्रकार थे और उनके माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के और देश के जनता तक एक जानकारी पहुंचाई। उन्होंने ये कहा कि आने वाले जो सोमवार को यानी 13 सितंबर 2021 को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं और उसमें कम से कम 1 या 2 मंत्रियों के खिलाफ उनके पास जो कागजात हैं, सबूत है, वो मीडिया में पेश करेंगे, मीडिया द्वारा जनता के सामने पेश करेंगे। अब वो बता रहे थे कि एक मंत्री हैं इस महाविकास आघाड़ी सरकार के, जिनके खिलाफ 127 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात इनके पास हैं सबूत के तौर पे, और दूसरे मंत्री के खिलाफ उनका कुछ इस प्रकार का आरोप था कि उनका जो डिपार्टमेंट है, उनका जो मंत्रालय का जो सब्जेक्ट है, जो विषय में वो मंत्री है, जिस विषय के लिए, उस डिपार्टमेंट में हर चीज के रेट्स फिक्स है, यानी वो ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो या जो भी कुछ भी काम हो उसका, मतलब यूं समझ लीजिए कि हर काम का एक रेट कार्ड बना हुआ है वहां पर, वो रेट कार्ड के अंदर हर काम के रेट है, और इस तरह से ये भ्रष्टाचार चल रहा है या वसूली चल रही है, ऐसा उनका आरोप था। और उन्होंने अभी तक तो नाम जाहिर नहीं किए लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बताई, उन्होंने कहा कि एक शिवसेना के मंत्री हैं और एक NCP यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी पार्टी के मंत्री हैं, यानी इस प्रकार के दो लोग हैं और हो सकता है कि ये दोनों के खिलाफ वो सबूत मीडिया में पेश कर दें, जनता के सामने रख दें मीडिया के द्वारा। तो काफी सारे लोगों से हमारी इस विषय में फिर चर्चा हुई तो उसमें ये अंदाजा हमें लगा कि शायद ये जो नाम अभी तक ये बता नहीं रहे हैं, ये सोमवार को बताएंगे, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी संभावना है क्योंकि आपको मालूम होगा कि फिलहाल 3 लोगों की ईडी की इंक्वायरी चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है, इसमें से पहले है प्रताप सरनाइक, वो तो मंत्री थे ही नहीं, वो तो विधायक है, और दूसरे जो है वो शिवसेना के अनिल परब है, परिवहन खाता है उनके पास, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और तीसरे जो ईडी का जो विषय चल रहा है वो अनिल परब है जिनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, और तीसरे जो है वो
ये तो त्याग पत्र दे चुके हैं लेकिन वो फरार हैं ईडी से। और उन्होंने किरीट सोमैया जी ने अपने बातों बातों में कुछ वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, किस तरह से वेस्ट बंगाल में कुछ कंपनी या किसी का इस तरह का फॉर्म्स का उपयोग हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो कुछ सूत्रों द्वारा कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि ये जो अनिल देशमुख है उनके बेटे, इनकी या इनके बेटों की कुछ कंपनियां व फर्जी कंपनियां रजिस्टर कराई गई थी और ये कंपनियां बंद होने के बाद उनके जो खाते थे वो खुले हुए थे और उसके द्वारा पूरी जो फंडिंग है, जो पैसे हैं, उसका रूटीन कराया जाता था। तो हो सकता है कि ये जो दो मंत्रियों की बात कर रहे हूं उसके बारे में आने वाले सोमवार को यानी परसों ये बता दें कि ये मंत्री थे और अब मंत्री नहीं है और अब वांटेड है, क्योंकि उनके अगेंस्ट तो लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ईडी ने। तो उस हिसाब से वो ना ही कहीं किसी न्यायालय में पेश हो रहे हैं और उनकी सभी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर राज्य सरकार भी हाईकोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई और उनके भी सब रास्ते खत्म हो चुके हैं। और आखिर में उन्होंने वो जो ट्रांसफर और ये सब जो स्कैम था वो भी पेपर उन्होंने सीबीआई को पिछले महीने के अंत में हैंड ओवर कर दिए थे। अब तक वो सीबीआई ने स्टडी कर दिए होंगे उस विषय में, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई के द्वारा भी हमें ये सब एक्शन देखने मिले। लेकिन वो जो भी हो, ये जो अंदाजा लगा रहे हैं काफी सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कि ये जो दो लोग हैं जिनके बारे में सबूत या जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात किरीट सोमैया जनता के सामने पेश करने वाले मीडिया द्वारा आने वाले सोमवार को 13 सितंबर 2021 को, ये दोनों व्यक्ति एक अनिल परब के होने की संभावना है और दूसरा यही अनिल देशमुख के होने की संभावना है। आपकी क्या राय है, आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमारे जानकारी के लिए जरूर रखें। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स और अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द से जल्द नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।